नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुंदेलखंड के नेशनल हाईवे को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आगामी 13 मार्च को बता दें कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महोबा आ रहे हैं। इस प्रस्तावित दौरे में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लगभग 2800 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास महोबा में मोदी मैदान से किया जाना है, जिसका लाभ बुंदेलखंड के महोबा सहित विभिन्न जनपद को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार एक के बाद एक विकास कार्यों को गति देने में लगी हुई है। बुंदेलखंड के पर्यटन हब बनाने के साथ साथ सड़कों का जाल बिछाने पर भी काम किया जा रहा है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात के बाद अब नेशनल हाईवे की विभिन्न प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास करने देश के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का 13 मार्च को महोबा में प्रस्तावित दौरा है। बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड के महोबा सहित झांसी, ललितपुर और बांदा जनपद में विभिन्न नेशनल हाईवे से संबंधित 2800 करोड़ का लागत से 8 प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना है। इन सभी प्रोजेक्ट का लाभ बुंदेलखंड वासियों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे की तैयारी का जायजा जिलाधिकारी मनोज कुमार ने लिया है और इस दौरान पुलिस लाइन स्थित मोदी मैदान में स्टेज पंडाल का काम चल रहा है और तो वहीं हेलीपैड की व्यवस्था भी की जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। वो यहाँ आ रहे हैं जिनका प्रोग्राम उनको प्राप्त हो चुका है, उनको 16:15 पर यहाँ पहुँचना है और उसके बाद जो है जो 17:30 यहाँ से डिपार्चर का टाइम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, उसमें अभी हमको अवगत कराया गया है और प्रोग्राम जैसी प्राप्त होगा उस संबंध में हम पूर्ण जानकारी उस संबंध में देंगे। सर, किन किन मार्गों का यहाँ पर महोबा के डिस्ट्रिक्ट महोबा में झांसी के हैं और बांदा है, ललितपुर है, इन विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रोजेक्ट हैं, 8 प्रोजेक्ट हैं जिसकी कॉस्ट जो है NH ने मौखिक रूप से लगभग 2800 करोड़ रुपए के आसपास बताया। कुछ क्या उम्मीद है जो भी हमारी रोड्स बन रही है उसमें कबरी वाला तो अभी उसको ड्रॉप किया गया, बाद में होगा उसका, लेकिन जो हमारा मध्य प्रदेश बॉर्डर पे उस रोड का भी शिलान्यास यहाँ उद्घाटन होना है। कुछ ओवरब्रिज भी बने हैं वो उसी का पार्ट। गोंडा में सब रजिस्ट्रार सौरभ सिंह को पुलिस बता दे कि SIT की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि फर्जी बेनामा और साथ ही फर्जी वसीहत मामले में फरार चल रहे रजिस्ट्रार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बता दें कि सौरभ सिंह का पर 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसके बाद से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। DIG ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया है। और बता दें कि गोंडा का ये पूरा मामला है जहां पर सौरभ सिंह को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पुलिस इसको लेकर तलाश में जुटी हुई थी। 25,000 का इनाम भी इसके रखा गया था और इस दौरान गोंडा में सब रजिस्टर सौरभ सिंह को पुलिस ने अब गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फर्जी बेनामा और साथ ही फर्जी वसीयत मामले में ये फरार चल रहे थे। वहीं हरदोई में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई है। इस दौरान बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, वहीं उसका साथी घायल हो गया है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। और हरदोई में लगातार तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है और इस दौरान एक और मामला हरदोई से सामने आया, जहां पर लगातार तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई है और इस दौरान जो बाइक सवार थे उसकी मौत हो गई मौके पर, लेकिन जो उनका साथी है वो घायल हो गया था, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गया है और उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। उसको देखते हुए लगातार उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बता दें कि उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया है। और बता दें कि तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से हरदोई में देखने को मिल गया। वहीं उन्नाव में डीजे पर डांस के दौरान पिस्तल लहराता युवक देखने को मिला है। बता दें कि युवक होली के जश्न में डीजे पर पिस्तल लहराता नजर आया। वहीं युवक का पिस्तल के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, बता दें कि उन्नाव का ये पूरा मामला है, जहाँ पर देखिए किस तरीके से होली के खास मौके पर यह युवक पिस्तल लहराता हुआ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। और इस युवक को ना प्रशासन का खौफ है, ना पुलिस खौफ है, और बेखौफ होकर युवक जश्न में डूबता हुआ और पिस्तल लहराता हुआ सामने आया। वहीं पीलीभीत में बाघिन की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके वजह से वन विभाग की टीम बाघिन को, बता दें कि ट्रैकुलाइज करने में पहुंची हुई है, जहां पर बता दें कि लगातार बाघिन को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाघिन चकमा देकर यहां पर फरार होती हुई नजर आई, जहां पर वन विभाग की टीम बाघिन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। और दरअसल बता दें कि बरखेड़ा क्षेत्र के गांव शाहपुरा में बाघिन की चहलकदमी, बता दें कि आबादी क्षेत्र के पास लगातार देखने को मिल रही है, जिसके बाद से वन विभाग लगातार सतर्क नजर आ रहा है। और इस दौरान आबादी के पास बाघिन की ये चहलकदमी के कारण अधिकारियों ने ट्रैक करने का निर्देश दिया गया था। वहीं वन विभाग की टीम ने खेतों में बाघिन की घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाघिन वहां पर वन विभाग की टीम को चकमा देकर फरार होती हुई नजर आई। हम लोग अभी तो मॉनिटरिंग ही कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये मूव कर जाएगा, लेकिन आज जो हम लोग ने ऑपरेशन किया इसको पकड़ने का, उसमें देखा कि अंदर एक किल भी है, तो किल होने की वजह से वो टाइग्रेस मूव नहीं कर रही थी। आज हम लोग ने प्रयास किया, दो बार अटेम्प्ट किया, लेकिन दो बार सफलता नहीं मिली है। अब चूँकि समय भी ज़्यादा हो गया और जानवर भी स्ट्रेस में आ जाता है, तो इसको आज हम इसको वाइंड ऑफ कर रहे हैं और एक दो दिन फिर हम इसको मॉनिटर करेंगे। जिस खेत में अभी गई है उसको हम थोड़ा कॉर्डन ऑफ करके उसमें केज लगाएंगे, हो सकता है केज में आ जाए, और नहीं अगर सफलता मिलती है तब फिर हम इसको ऑपरेशन करेंगे दो तीन दिन के बाद, और तब तक हमारी प्रेजेंस यहाँ पे स्टाफ रहेगा, 24 घंटे की मॉनिटरिंग यहाँ पे रहेगी। श्रमदान हमारी प्राचीन परंपरा है, वही श्रमदान निस्वार्थ भाव से किया गया महान कार्य है, जिसके लेकर हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बहराइच के मोतीपुर तहसील के अंतर्गत कतिया वन क्षेत्र में गिरजापुर पेट्रोल पंप पर सुजौली मार्ग में झाड़ियों को साफ करने के लिए उपस्थित लोगों ने संबंधित, बता दें कि इस दौरान संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने श्रमदान के महत्व पर अपनी विचार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह दुख की बात है कि लोग आज श्रमदान के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। श्रमदान का सीधा साधा अर्थ स्वार्थ, बता दें कि स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों को लग जाना है। साथ ही बता दें कि श्रमदान में राष्ट्रहित की भावनाओं के साथ साथ सामाजिक और विश्व कल्याण की भावनाओं को भी समावेश होता है। आज दिनांक 10 मार्च 2023 को वन क्षेत्र के जागरूक लोगों ने मिलकर के श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया था, और इसमें खास तौर पर जो गिरजापुरी पेट्रोल पंप से लेकर सुजौली रोड पर, जिस पर आए दिन हाथियां मौजूद रहती हैं, तो उसको उसमें जो झाड़ियां सड़क के किनारे होती हैं उसकी वजह से दिखाई नहीं पड़ते हैं जानवर, और अचानक आ जाने पर घटनाएं भी हो जाती हैं, पिछले दिनों काफ़ी घटनाएं हुई, तो उसके लिए फिर
सभी साथियों के द्वारा सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वन विभाग के लोग भी मौजूद रहे और हम लोगों ने मिल करके रास्ते की सफाई का कार्य किया है। अभी ये जो अभियान है श्रमदान का, ये लगातार जारी रहेगा और टाइम टू टाइम इसकी सड़क के किनारे की जो झाड़ियां हैं उनकी सफाई होती रहेगी। झांसी में एसओजी टीम और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाश को गोली लग गई, जिन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि ये वही बदमाश थे जिन्होंने टोंडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ढुरवई में डकैती की घटना को असलहे के दम पर अंजाम दिया था। झांसी के बता दें कि टोंडी फतेहपुर के जंगलों में देर रात स्वाट टीम और पुलिस का डकैतों के साथ आमना सामना हुआ। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी और इस दौरान बता दें कि बदमाश के जो अन्य साथी थे वे मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस टीम लगातार अब तलाश कर रही है। दिनांक 8/9 की रात्रि में थाना क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर के दुर्वई गांव में श्रवण वाजपेयी के यहां डकैती पड़ी थी। इस डकैती को वर्कआउट करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम के साथ ही तीन पुलिस की टीमें लगाई गई थी। इन टीमों को डकैती में शामिल बदमाशों के बारे में सूचना मिली थी कि ये माल का बंटवारा करके आज सुबह करीब 4:30-5 के बीच में मध्य प्रदेश की तरफ बेचने हेतु निकलेंगे। इसके लिए पुलिस टीमें बदमाशों को पकड़ने हेतु लगातार चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मऊरानीपुर से गुरसराय की तरफ जाने वाली रोड पर महेवा चौकी के पास में दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर के पांच बदमाश जाते हुए दिखाई दिए। जब इनको पुलिस टीम के द्वारा रोकने के लिए इशारा किया गया तो ये रुके नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर फायर करते हुए रेवन की जंगल में भागने लगे। जब काउंटर अटैक में पुलिस टीम के द्वारा भी इनके पर फायर किया गया तो इनके एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं हरिद्वार में पतंजलि वेलनेस में इलाज कराने आए एक मरीज ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि मैनपुरी यूपी के रहने वाले ये 42 वर्ष के राजीव कुमार, जो मानसिक रूप से बीमार थे और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। बता दें कि बहादराबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि पतंजलि वेलनेस सेंटर मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इलाज कराने के लिए आया था। व्यक्ति की पत्नी से पूछताछ में सारा मामला सामने आया। व्यक्ति ने बता दी कि बालकनी से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। पतंजलि में एक युवक था जो डिप्रेशन का मरीज था, वो यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए आया हुआ था और पत्नी द्वारा भी बताया गया कि वो डिप्रेशन की वजह से इलाज चल रहा था और पतंजलि में वेलनेस सेंटर में इसको एडमिट करा के यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था। सूचना मिली कि वो अचानक अपनी बालकनी में गया और वहाँ से छलांग लगा दिया। इस सूचना पर जब पुलिस पहुँची तो युवक को लेके गए और उसके बाद आगे की जो हमारी विधिक कार्रवाई है उसको ऋषिकेश की विस्थापित कॉलोनी में लगातार हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिन प्रतिदिन भड़कता जा रहा है। विस्थापित कॉलोनी लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। विस्थापित कॉलोनी में बन रही बड़ी बड़ी अवैध इमारतें के निर्माण को लेकर रोक लगाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि विस्थापित जन कल्याण समिति लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ आंदोलन कर रही है। समिति के अध्यक्ष हरि सिंह भंडारी के मुताबिक साल 2019 में अवैध रूप से बनने वाली बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी, जिसके बाद से कोर्ट ने अवैध निर्माण पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके अवैध निर्माण बस तूर जारी है। आरोप है कि वही एम डी
बता दें कि एमडीडीए की मिलीभगत से बिल्डरों के हौसले काफी बुलंद है। विरोध करने वाले बिल्डर को बता दें कि धमकाया जा रहा है और साथ ही विस्थापित कॉलोनी के लोगों को जल्द से जल्द अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए। निवेदन करने आ रखे अनुरोध हमारा पत्र है कि उस जगह पर सीवी लाइन नहीं है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनका गंदा पानी नीचे जा रहा और पेयजल लाइन भी नहीं और भूमिगत पानी घरों में आ रहा जो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप सिखता है, कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। और जो बिल्डर जब गांववासी बिल्डरों को अपना एक एडवाइज कि बड़े बड़े मकान हवा पानी रुक रहा है तो वो बिल्डर क्या बिल्डर लोग ग्रामवासियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए जो पशु लोग के विस्थापित जन कल्याण समिति के मेरे पास आए थे, अभी एक ज्ञापन उन्होंने मुझे सौंपा है, उसमें उनके द्वारा जो मांग की गई है वो कह रहे हैं कि जो बहुमंजिला इमारतें जो वहां पर बन रही हैं वो अवैध रूप से बन रही हैं और उनको सील किया जाए और वो आगे ना बने। तो उस संबंध में मैं एक अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बना रहा हूँ, उसमें एमडीडीए के और जो हमारे तहसील प्रशासन के हैं वो लोग रहेंगे, वो एक रिपोर्ट देंगे, अगर उसमें अवैध होता है तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर जनपद एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र से है जहां पर बता दें कि चुलासनी गांव में एक पुराने मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा घटित हुआ है। देर रात करीब 2 बजे एक पुराने मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्य और रिश्तेदारी में आए 20 वर्षीय युवती सोनम मकान की छत गिरने से उसके नीचे दब गई और इस दौरान चीख पुकार की आवाज सुनते ही ग्रामीण बीच बचाव करने आए और जहां पर 4 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उन्हें घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जहां पर रिश्तेदारी में आई 20 वर्षीय सोनम जो है वो मृत घोषित कर दी गई है और इस दौरान इस मामले को लेकर लगातार अब जो डॉक्टर है जो और भी घायल है उसका इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। मकान गिर गया जी, मतलब सो रहे थे। मकान में कितने लोग सो रहे थे? चार लोग, जिसमें से मृत्यु किनकी हुई है? एक की हुई है। क्या नाम है उनका? सोनम नाम है। क्या उम्र रही होगी? लगभग 20 साल की। 20 साल की उनकी मृत्यु हुई है। घायल कितने लोग हैं? घायल तीन लोग घायल हैं, इसमें से कोई एक रेफर भी है, रेफर कर दी है। एक को रेफर किया है, बाकी दो का इलाज यही चल रहा है, बच्चे का इलाज यही चल रहा है ना। अच्छा, ये मकान गिरा कैसे? क्यों पुराना मकान था? क्या था? मकान था, वो अचानक ही गिर रहे थे। अच्छा, लगभग कितने बजे घटना होगी? ये कोई 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के। वहीं अलीगढ़ में दबंगों के डर से लोग मकान बेचने को मजबूर हो गए हैं। इस दौरान लोगों ने करीब 40 से 50 घर, दुकान और गलियों में मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि परिवार के कुछ लोग इलाके में खुले हथियार लेकर घूमते नजर आते हैं। वहीं पूरा मामला गांधी पार्क थाना इलाके के नौरंगाबाद स्थित डिप्टी गंज मोहल्ले का बताया जा रहा है। ये भैया आए दिन की दबंग है इन कुछ लोगों की, अपने यार दोस्तों को बदमाशों को बुला के यहाँ पे दारू पी के बदतमीजी करते हैं। कहीं पे भी गली में कहीं पे भी टॉयलेट करने बैठ जाते हैं, मना करो तो गालियां देते हैं, समझे। केवल उनका ये है कि अपना मकान बेचो, हमें बेचो। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस को की है? हाँ, पुलिस को की है। पुलिस आई थी, आज भी आई थी, कल भी आई थी। कितने लोग होंगे लगभग ये जो यहाँ पर इस तरीके की? ये लोग थे, एक पूरा परिवार है, इनके साले हैं, उनके यार दोस्त हैं, करीब 25-30 लोग थे कल, और दारू भी रखी थी सबने, और कट्टे वट्टे लेके हाथ में, पिस्टल है इसके पास, और पिस्टल की धमकी देता है, जो कहता है मैं कोई चूतिया बनिया नहीं हूँ, पिस्टल वाला हूँ। दबंगों की वजह से क्या है मतलब? ये दबंग है, ये लोग बच्चों को परेशान करते हैं, बच्ची लड़कियां पढ़ने जाती हैं उनसे बदतमीजी करती हैं, और माँ बाप उनकी इनकी शिकायत करने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कारण क्या है? गाली गपज है, पैसा है, गरीब लोगों के बच्चों को परेशान करते हैं, यही वजह है और कोई वजह नहीं है। और दारू पीते हैं और बाहर गुंडों को बुला लेते हैं, अपने साले ससुरों को सबको इकट्ठा करके और सीधे ही कह देते हैं। और फिर से हम कहते हैं ना कि अपने पति तक गंगे के उनकी सब धर्मशाला घुस के रख देंगे उन्हीं के सब।
इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टला है। दरअसल बता दें कि आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे लाइन के बीचों बीच फंस गई, इसके कारण आधे घंटे तक रेलवे यातायात बाधित हुई। इसके साथ ही भुवनेश्वर से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस और साथ ही कई सवारी और मालगाड़ियों को रोका गया है। रेल विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला और साथ ही वहां से हटाया गया। साथ ही बता दें कि आरपीएफ ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही ट्रैक्टर मालिक और चालक के खिलाफ रेलवे सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।